शिमला एचआरटीसी दिवाली के लिए स्पेशल बसेस चलाएगा। बता दें कि दो दिन पहले 174 स्पेशल बसें चलाने का फैसला किया गया है। 10 नवंबर को 92 अतिरिक्त बसें चलेंगी, 11 नवंबर को 82 स्पेशल बसें चलेंगी। दिवाली पर अब प्रवासी आसानी से घर लौट सकेंगे। एचआरटीसी परिचालकों ने अपना विरोध स्थगित किया। बता दें कि 20 नवंबर तक ही एचआरटीसी के परिचालकों ने यह फैसला टाल दिया है। तो ये बड़ी खबर है। बता दें कि एचआरटीसी दिवाली के लिए स्पेशल बसें चलाएगा। जो प्रवासी हैं वो आसानी से अपने घर पहुंच पाएंगे। दो दिन पहले 174 स्पेशल बसें चलाई गई। 20 नवंबर तक एचआरटीसी परिचालकों ने जो अपना फैसला था विरोध का, वो टाल दिया है, उसे स्थगित कर दिया गया है। तो प्रवासी जो है अब उन्हें आसानी होगी घर पहुंचने में। बता दें कि दो दिन पहले 174 स्पेशल बसें चलाने का यह फैसला लिया गया। 10 नवंबर को 92 अतिरिक्त बसें चलेंगी, 11 नवंबर को 82 स्पेशल बसें चलेंगी। प्रवासी आसानी से अपने घर लौट पाएंगे। ये बड़ा फैसला जो है लिया गया है। एचआरटीसी के परिचालकों ने अपना विरोध 20 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है। तो दिवाली पर अब स्पेशल बसें चलाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि एचआरटीसी परिचालकों ने अपना विरोध स्थगित कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप हमारे ब्यूरो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, एचआरटीसी की ओर से ये स्पेशल जो है बसें चलाने का फैसला लिया गया, अपनी जो अविरोध की उन्हें अविरोध भी है जो उन्होंने अपना स्थगित कर दिया है 20 नवंबर तक, क्या कुछ अपडेट है, कब कब कौन कौन सी बसें चलेंगी? बिल्कुल, देखिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जो दिवाली आ रही है उसके लिए स्पेशल बसें चलेंगी और इसमें 10 नवंबर और 11 नवंबर इन दो दिनों तक अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला हुआ है। जो रूटीन बसें हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त बसें जोड़ी गई हैं, जिसमें 10 नवंबर की बात करें तो उसमें 92 जो अतिरिक्त बसें हैं वो इसमें चलेंगी, 11 नवंबर को 82 अतिरिक्त बसें चलेंगी और ये दो दिन तक यानी दिवाली से पहले चलाई जाएंगी, ताकि जो लोग पड़ोसी राज्यों में काम करते हैं, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी में है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो वो वहां से आ सकता है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की अगर बात की जाए तो लोग इन बसों के जरिए अपने गाँव, अपने घर लौट सकते हैं। तो ये दो दिन के लिए बसें चलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन है, परिचालक है, उनकी तरफ से ऐलान किया गया था विरोध प्रदर्शन का और उसमें आंदोलन करने का एक तरह का उनका ऐलान था, क्योंकि इनकी वेतन विसंगतियों से जुड़ा हुआ बड़ा मसला चल रहा था। इनका कहना था कि अगर 8 नवंबर तक हमारे मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो जो नियमानुसार यानी 8 घंटे की ड्यूटी होती है और उसके साथ साथ बसों में ओवरलोडिंग की बात भी ये कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग की जा रही है, तो हम वो ओवरलोडिंग नहीं करेंगे जिस तरह से लगेज पॉलिसी आने के बाद बसों में ओवरलोडिंग हुई थी। इसके साथ साथ यात्री भी कई बार बसों में ज्यादा बैठते हैं तो वो नहीं बैठाए जाएंगे और ना बसों में ओवरलोडिंग होगी। तो ये दो इन्होंने दो तरीके इन्होंने अपनाए थे कि हम 9 नवंबर से यानी आज से जो है वो 8 घंटे की ड्यूटी ही करेंगे, लेकिन इसको भी दिवाली के चलते फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, अपने विरोध को रोक लगा दी गई है और 20 नवंबर से इसी मांग को लेकर इनका विरोध शुरू होगा, यानी 8 घंटे ही ड्यूटी करेंगे और उसके बाद बसें जो है वो खड़ी कर दी जाएंगी। जी जी प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।